इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मीशो ऐप कैसे यूज करें और महीनों के 25 से 20,000 रुपये कैसे कमाएं। तो चलिए जानते हैं। मीशो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में चलना होगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर में चलते हैं और मीशो ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो हम आ गए हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आकर यहाँ पे हमको सर्च करना है मीशो, MEESHO, ठीक है, मीशो। उसके बाद जैसे ही आप मीशो सर्च करेंगे तो मीशो कुछ इस तरह का दिखता है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम मीशो ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और नीचे आपको दिखेगा साइन अप फॉर फ्री। तो साइन अप फॉर फ्री पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालकर इसमें लॉगिन होना होगा। तो इतना तो आप कर ही लेंगे, आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP को आपको डालकर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यानी से मैंने लॉगिन कर लिया मीशो ऐप में। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 2 मिनट का वीडियोस चालू हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मीशो ऐप कैसे यूज करें। तो ये कैसे यूज करें इसी के बारे में ये वीडियो है, आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको नीचे में नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप मीशो ऐप के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे देखने के लिए। आप इनमें से कोई भी एक सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं इसे बेचना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, मुझे ये पसंद है तो मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ से 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, व्यू का और एक शेयर का। तो शेयर पर हम क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप पर आपको लेकर चला जाएगा। जैसे ही ये आपको व्हाट्सएप पर लेकर जाएगा तो मुझे इसे सेल करना है, तो मैं इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। जैसे मैं सेंड करूंगा तो सबसे पहले इमेज आएगी, तो मैंने इमेज भेजा तो वो इमेज देखेंगे, बोलेंगे ये मुझे बहुत अच्छा है, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ और इसके बारे में आप मुझे भेजिए। उसके बाद बाय कहेंगे, उसके बाद बाय कहेंगे, उसके बाद आपको फिर यहाँ से शेयर का, जैसे बाय कहेंगे ऑटोमेटिक आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इसको सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ से उसको साइज पता चल जाएगा, ठीक है, कितना साइज उसको चाहिए। इसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ है, फुल सिल्वर है, टाइप सिल्वर, इसमें आपको एल साइज, एम साइज, पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगा। तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे चाहिए, इसका प्राइस बताओ टोटल, और मुझे ये चाहिए। तो मैं उसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है, अपना एड्रेस बता दो और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो आपको बैक आना है, बैक आना है। तो जैसे आप बैक आएंगे तो यही था। तो उसके बाद मैं यहाँ से व्यू पे जैसे क्लिक करूँगा, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ से उसका साइज जो बोला था जो बंदा कि साइज मुझे चाहिए इतना, तो आपको एम जो बोलेगा उसके बाद कर दीजिएगा। उसके बाद उसको कितना चाहिए, 1, 2, 3, तो उसे 1 चाहिए तो डन कर दीजिएगा। ये ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर में ऐड टू कार्ट जैसे हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से उससे पूछना है आप पेमेंट किससे करोगे, पेटीएम से, ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी। तो वो बोलेगा कैश ऑन डिलीवरी या अदर कोई बोलता है, आप देख लीजिएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे अमाउंट इसका पड़ जाता है 294 रुपीज़, ठीक है। तो इसे आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, नीचे में प्रोसेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से मैं एड्रेस यहाँ से पूछ रहे, ठीक है। तो मैं कोई और एड्रेस, यहाँ से मैंने पहले एक एड्रेस दिया था, तो बोल रहा है उसी एड्रेस पे भेजना है, तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे, तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, एडिट पे, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं इसी पे करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको प्रोसेड पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से फिर प्रोसेड का ऑप्शन मिलेगा, फिर मैं प्रोसेड पे क्लिक करता हूँ। तो ये पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है कि आपको फिर एडिट करना है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह इसमें और नाम। तो मैं बोला हूँ नहीं मुझे एडिट नहीं करना है, मैं प्रोसेड पे फिर क्लिक कर। जैसे मैंने प्रोसेड पे क्लिक किया तो यहाँ से फाइनल अमाउंट पूछ रहा है। तो फाइनल अमाउंट मैं यहाँ से जितना चाहे उतना रख सकते हैं, यही मेरा मार्जिन है, मैं जितना चाहूँ उतना रख सकता हूँ, वो मुझे बैंक में मिल जाएगा, यही पैसा मुझे मिल जाएगा जितना मैं यहाँ पे रख। 294, तो मैं इतना अमाउंट डाल दिया। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उस एड्रेस पे, 2 से 3 दिन के अंदर में पहुंच जाएगा और मुझे ये अमाउंट मेरे जो भी मैंने बैंक डिटेल, बैंक में जो भी हम पेमेंट मेथड में मैंने डिटेल दिए हैं उसमें मेरा पैसा 10 या 20 तारीख को चला जाएगा, ठीक है। तो यही आपका मार्जिन है, यहीं पर अपना मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ऑर्डर कैसे करना है।